गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। आई एम नीलम वर्मा, आई एम योर डीएसएस टीचर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चैप्टर 9 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज प्लेसेस इन माय नेबरहुड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? प्लेसेस इन माय नेबरहुड। ओके, नाउ रिपीट द स्टडी। Places, P-L-A-C-E-S, places, I am in, and why, my, and E-I-G-H, V-O-U-R, were, H-O-O-E, cool, never cool, okay? So, my dear children, this chapter means, अपने नेबरहुड में जो प्लेसेस होते हैं, मेरे आस पड़ोस में जो प्लेसेस होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो इससे पहले हमें क्या पढ़ना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेबरहुड, कि नेबरहुड का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेबरहुड? नेबरहुड मीन्स क्या होता है? द एरिया नियर बाय योर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। का मीन्स क्या होता है? हमारे घर के पास का जो एरिया होता है, ओके, हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। ओके, देयर आर मैनी अदर हाउसेस अराउंड आवर ओन हाउसेस। हमारे घर के चारों बहुत सारे घर होते हैं, होते हैं ना? तो पीपल लिविंग इन दीज हाउसेस आर अवर नेबर्स। नेबर्स मीन पड़ोसी। तो लोग जो इन घरों में रहते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नेबर्स। नेबर्स मीन्स पड़ोसी होते हैं। द पीपल